मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए बस 2 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में दिग्गज नेताओं का दौर लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल में जनसभा को संबोधित किया। बैतूल की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठ के वादे एक पल भी नहीं टिक सकते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये चुनाव है मध्य देश के विकास को डबल रफ्तार देने का, कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार को फिर कभी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न डालने का। कांग्रेस का पंजा छीनता है, छीनना जानता है, लूटना जानता है। आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई है वहां वहां तबाही लाई है। एमपी के चुनाव में मेरी जनसभाओं का आखिरी दौर है। कल शाम को प्रचार अभियान पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं कल भगवान बरसा मुंडा जी के जन्म स्थान पर हूं। कल उनका जन्मदिवस है और कल झारखंड का भी जन्मदिवस है, और इसलिए कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए मैं कल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को, उस मिट्टी को माथे पर चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। और इसलिए एक प्रकार से आज का दिवस इस चुनाव अभियान का मेरा मध्य प्रदेश का आखिरी दिवस, और उस समय आपने ये कमाल करके दिखाया है, ये मेरे लिए यादगार दृश्य है।